तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं लेजी पे रिपेमेंट को लेकर, क्योंकि लेजी पे की तरफ से एक नया अपडेट आ रहा है। जो कि आप लोगों को पता होगा कि पहले लेजी पे में मंथ में दो बार बिल जनरेट होता था, लेकिन अभी इसको अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पे काफी बढ़िया अपडेट करा गया है, जो कि अब आप लोग लेजी पे को यूज करते हो तो अब आप लोगों को महीने में एक ही बार बिल पे करना पड़ेगा। यानी कि पहले क्या था कि पहले आप लोगों को महीने में दो बार पेमेंट करनी होती थी, एक तो 3 तारीख को, दूसरा 18 तारीख को। आपका 15-16 तारीख का बिल जनरेट होता था और 18 तारीख को आपको रिपेमेंट करनी पड़ती थी, और उसके बाद गए 1 तारीख को बिल जनरेट होता था तो आपको 3 तारीख को पेमेंट करनी पड़ती थी। लेकिन अभी इसको यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है और सभी को मेल करा जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि आप अगर लेजी पे यूज करते हो, लेजी पे के कस्टमर हो, तो अब आप लोगों को रिपेमेंट के लिए 1 महीने का टाइम मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे अच्छी अपडेट के साथ एक बुरी भी अपडेट है, यानी कि आपको रिपेमेंट का टाइम 1 महीने का तो मिल रहा है, लेकिन अगर आप लोग टाइम से इसकी ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं करते तो आपको चार्जेस यहाँ पे यानी कि इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। पहले आप लोगों से काफी कम इंटरेस्ट लिया जा रहा था, लेकिन अब जो है इंटरेस्ट काफी बढ़ा दिया गया है। तो अगर आप टाइम से पेमेंट नहीं करते तो काफी हायर इंटरेस्ट यहाँ पे देना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को मेल दिखा देता हूँ कि आप लेजी पे यूजर है तो आपके पास किस प्रकार का मेल रिसीव हो जाएगा, जो कि काफी अच्छा अपडेट है ये लेजी पे का। ठीक है, जो कि गाइस आप लोग देख सकते हो आपके पास इस प्रकार का मेल रिसीव होने वाला है। ठीक है, लेजी पे की तरफ से ये ऑफिशियल मेल है गाइस, ये लेजी पे का ही अपडेट है। यहाँ पे गाइस देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेशन यहाँ पे बता दिया गया है, और यहाँ पे देख सकते हो मेरा नाम आ रहा है, यानी कि ये मेल मेरे को ही रिसीव हुआ है और मैं एक लेजी पे का यूजर हूँ, यानी कि मैं लेजी पे लेटर यूज करता हूँ। अगर आप लोग भी लेजी पे लेटर यूज करते हैं तो आपके पास भी ऐसा मेल रिसीव हो गया होगा। ये मेल गाइस मुझे आज सुबह ही रिसीव हुआ, जो कि 8:00 पे ये मेल मेरे को रिसीव हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को बताया जाए। काफी अच्छा लेजी पे का अपडेट है, अगर आप लोग लेजी पे यूज करते हो तो बहुत बढ़िया अपडेट है ये आप लोगों के लिए। ठीक है, यहां पे देख सकते हो गाइस जो कि इसका नया अपडेट है, जहां पे गाइस आप लोगों को 1 अप्रैल से ये अपडेट लागू कर दिया जाएगा, यानी कि ये जो रूल है वो लागू कर दिया जाएगा। यहां पे महीने में आपको सिर्फ एक ही बार पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे गाइस आप लोग देख सकते हो जो कि पहले आप लोगों को महीने में दो बार पेमेंट करना पड़ता था, एक तो गाइस आप लोगों को 3 तारीख को पेमेंट करना पड़ता था, दूसरा गाइस आप लोगों को 18 तारीख को पेमेंट करना पड़ता था। ठीक है, इससे क्या होता था कि काफी प्रॉब्लम हो जाती थी, काफी लोगों के पास पैसे भी नहीं होते थे, या काफी लोगों का अमाउंट ड्यू होता था तो उनको काफी चार्जेस भी लग जाते थे। लेकिन अब यहाँ पे लेजी पे ने बहुत ज्यादा अच्छा काम करा है, महीने में एक ही ड्यू डेट यहाँ पे रख दिया है, जिससे कि सारी ज्यादा प्रॉब्लम जो है यहाँ पे सॉल्व हो गई। अब यहाँ पे महीने में एक ही ड्यू डेट होगी तो आपको ज्यादा रिपेमेंट करने में कोई भी इशू नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये जो रूल है गाइस 1 अप्रैल 2022 से लागू कर दिया जाएगा, यानी कि अगले महीने जो भी बिल जनरेट होगा वो आप लोगों को 3 या फिर 5 तारीख को पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि गाइस यहाँ पे आपको जो बिल 1 तारीख को अगर जनरेट होता है तो 3 तारीख को आपको इसकी रिपेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस सिर्फ यहाँ पे यही अपडेट करा गया है कि इसकी जो ड्यू डेट है बीच वाली खत्म कर दी गई है। दूसरा अपडेट इसमें यह है कि जो इसका लैंडर है उसने इंटरेस्ट बढ़ा दिया, यानी कि जो इसका पार्टनर था यहाँ पे उसने इंटरेस्ट बढ़ा दिया। आप लोग पीडीएफ में नीचे आओगे, नीचे आने के बाद गाइस यहाँ पे आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ में जो कि रीपेमेंट पीडीएफ करके यहाँ पे मिल जाएगी, तो आप लोग जो है सिंपली इसको डाउनलोड करोगे ना तो यहाँ पे जो है लैंडर का नाम आ जाएगा, जैसे पे यू फाइनेंस इसका लैंडर है जो आप लोगों को लिमिट प्रोवाइड करता है लेजी पे लेटर के। ठीक है, तो ये डिसीजन उसका है। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस आपको बताया गया है कि ये जो रूल है, यहाँ पे पीडीएफ में गाइस सबसे पहले आपका नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर भी आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद गाइस हम जो है इसकी इंटरेस्ट की बात करते हैं। पहले जो इस पे था इंटरेस्ट काफी कम लग रहा था, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे भैया आपको इंटरेस्ट काफी ज्यादा देना पड़ेगा। पहले अगर आप ड्यू डेट पे नहीं कर पाते थे तो आपसे पेनल्टी ली जाती थी, अगर आप मिनिमम अमाउंट पे कर देते थे तो आपसे पेनल्टी नहीं ली जाती थी, सिर्फ आपसे इंटरेस्ट लिया जाता था, बाकी का जो बचा अमाउंट वो आपके नेक्स्ट बिलिंग साइक्लिंग के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता था, यानी कि वो फॉरवर्ड कर दिया था आपके अगली ड्यू डेट के लिए। ठीक है, अब यहां पे देखो पहले क्या था कि पहले 1.5% से लेके 1.75% तक आपको इंटरेस्ट लगता था। ठीक है, जो कि आपका अमाउंट फॉरवर्ड करा जाता था नेक्स्ट बिल के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस ऐसा नहीं होगा, अब अगर आपका अमाउंट यहाँ पे फॉरवर्ड करा जाएगा नेक्स्ट बिल के लिए तो यहाँ पे आपसे जो है 3.5% का पर मंथ यहाँ पे इंटरेस्ट लिया जाएगा, जो कि 42% पर एनएम के अनुसार से आपको देना होगा। पहले गाइस काफी कम था, जो कि 1.5% से लेके 2.25% तक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे डायरेक्ट 3.5% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा अगर आप लोग टाइम से पेमेंट नहीं करते। टाइम का मतलब ये हो गया कि अगर आप मिनिमम ड्यू पे कर देते हैं, बाकी का बचा अमाउंट वो फॉरवर्ड करा जाता है आपके अगले ड्यू डेट तक, तब आपको 3.5% का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, अगर आप मिनिमम भी नहीं पे करते हो तो आपको चार्जेस तो लगेंगे, जो इसकी पेनल्टी होती है वो तो आपको लगेगी लगेगी, और उसके बाद इंटरेस्ट भी यहाँ पे लगेगा। ठीक है, इंटरेस्ट तो लगना ही लगना है, अगर आप मिनिमम अमाउंट पे करो तब भी लगेगा, नहीं पे करो तब भी लगेगा। अगर आप मिनिमम अमाउंट पे कर देते हो तो आप सिर्फ पेनल्टी से बच जाते हो, बाकी इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे तो अभी खैर आप लोगों को इसमें ईएमआई का ऑप्शन नहीं मिलता है, जैसे कि अगर आप लोग लेजी पे लेटर यूज करते हो या फिर लेजी पे का कार्ड यूज करते हो
तो आप लोगों को अभी फिलहाल इन ऑप्शनों पे तो ईएमआई का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि काफी जल्दी आप लोगों को जो है ईएमआई का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि गाइस लेजीपे पे लेटर काफी अच्छा काम कर रहा है। ये आप लोगों को विदाउट इनकम प्रूफ के लोन भी प्रोवाइड करता है, पे लेटर की लिमिट भी प्रोवाइड कर देता है, और अब तो इसने कार्ड भी देना शुरू कर दिया, जो कि काफी लोगों के पास इसका कार्ड भी हो गया है, जो कि आप लोग कहीं पर भी यूज कर सकते हो और काफी आसानी से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये गाइस जबरदस्त अपडेट आ रहा है लेजीपे की तरफ से। अगर आप लोग एक लेजीपे यूजर है तो अब आप लोगों के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि अब आप लोगों को महीने में दो बार बिल पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और अभी तक गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि ये अपडेट एप्लीकेशन पे नहीं करा गया है, यानी कि अगर आपको ये मेल रिसीव हो गया है तो मैंने जो है अभी लेजीपे एप्लीकेशन पे जाके चेक करा, वहाँ पे रीपेमेंट का शेड्यूल जाके मैंने चेक करा, तो वहाँ पे अभी भी जो है 3 तारीख और 18 तारीख ड्यू डेट दिखा रहा है। अभी एप्लीकेशन पे फिलहाल अपडेट नहीं करा गया है, लेकिन ये मेल यहाँ पे हमें रिसीव हो गया तो इसका मतलब ये 1 तारीख से लागू कर दिया जाएगा, और 1 तारीख को जो भी हमारा बिल जनरेट होगा वो हमें 3 या 4 तारीख को पे करना पड़ेगा, उसके बाद हमें जो है नेक्स्ट मंथ में इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अभी एप्लीकेशन में फिलहाल मैं जाके चेक करता हूं तो मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। बाकी गाइस ये अपडेट काफी अच्छा है, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग इसके लिए भी कमेंट करके बताइए। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हालांकि गाइस मुझे लगता है कि आप लोग सोचते हैं कि मैं अपनी वीडियो में ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नहीं दे पाता हूं, लेकिन फिर भी गाइस मैं कोशिश करता हूं, जितना मुझे पता होता है उतना मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। तो ये अपडेट आप लोगों को कैसा लगा भाई आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि गाइस बहुत बढ़िया अपडेट, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि मेरी लिमिट यहां पे काफी ज्यादा 15-20 हज़ार की लिमिट है और मैं टोटल लिमिट इसकी यूज करके रखता हूं, तो मुझे काफी प्रॉब्लम होती थी महीने में दो बार इसकी बिल पेमेंट करने के लिए, तो अब यहां पे महीने में एक ही बार बिल पेमेंट करना होगा, जो कि काफी अच्छी बात है। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत पसंद आई होगी। गाइस थोड़ी बहुत वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो लाइक कर देना, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।